वी ऑल नो हाउ इम्पॉर्टेंट इज स्किन टू अस, हमें मालूम है स्किन की देखभाल और स्किन केयर कितना ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी है कि जो हार्श केमिकल्स हैं, जो बहुत सारी प्रोसेस चीज़ें हैं, वो कितना नुकसान पहुंचाती हैं हमारे स्किन को, और उससे हम कैसे बच सकते हैं, इस विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, जितने स्किन केयर रिजीम्स हम फॉलो करते हैं, जैसे क्लिंजिंग है, टोनिंग है, मॉइस्चराइजिंग है, जो बेसिक स्किन केयर रूटीन है, उसमें अगर हम नेचुरल चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें, नेचुरल चीज़ों का मैक्सिमम इस्तेमाल करें, तो हम बहुत अच्छी अपनी स्किन को मेंटेन कर सकते हैं, उसको हेल्दी, सपल, ग्लोइंग एंड एवर यूथ, एवर यू नो, हमेशा उसको फ्लॉलेस रखने में हम मदद ले सकते हैं। नेचर ने हमें बहुत सुंदर चीज़ें दी है, बाउंटी दिया है, इतनी सारी हर्ब्स का, इतनी सारे मिनरल्स का, इतनी सारी चीज़ें जो कि लेडन है विटामिन और मिनरल्स से, उन चीज़ों को अगर हम यूज़ करें तो ये हम बहुत अच्छी अपनी यूथफुल स्किन रख सकते हैं उम्र भर। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम अच्छा खाएं, वी शुड ईट वेल, वी शुड स्लीप वेल, वी शुड ड्रिंक वेल। ड्रिंक वेल से मेरा मतलब है कि हम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक रखें अपने दिनचर्या में, जिससे कि हम अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रख सकें और एजिंग से बचा सकें। इसके अलावा जितने हार्शनेस हमारी स्किन झेलती है, जैसे अर्बन लाइफस्टाइल में डस्ट है, पोल्यूशन है, स्वेट है, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक पार्ट है। तो अपनी स्किन को क्लीन रखने के लिए हम नेचुरल चीज़ें यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक छोटी सी चीज़, मुल्तानी मिट्टी या चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल जब हम यूज़ करते हैं स्किन पे, तो उससे डीप पोर क्लिंजिंग मिलती है हमें, बजाय इसके कि जब हम केमिकल से, या जो बहुत सारे आजकल मार्केट में फ्लडिंग है फेस वॉशेस की और सोप्स की, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करके अगर हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ करें, तो हम बहुत अच्छी अपनी स्किन को अच्छी तरह अपनी स्किन को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा, क्लिंजिंग के अलावा, मॉइस्चराइजिंग भी, हाइड्रेशन भी, जैसे एक बहुत सिंपल सी चीज़ है एलोवेरा, उसको अगर हम रेगुलर इस्तेमाल करें, या उसके बेस्ड प्रोडक्ट्स जिसमें मिनिमम केमिकल्स हों उनको यूज़ करें, तो हम अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेटेड रख सकते हैं, और जो नेचर की एक हमें देन है, नेचुरल चीज़ें ही हमें मिली हुई हैं, उनको हम यूज़ करें तो हम नेचुरली ब्यूटीफुल रह सकते हैं। आयुर्वेद में भी बहुत जगह से हम इसका उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं कि किस तरह से हम स्किन केयर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे, हेल्दी स्किन को मेंटेन करने के लिए, और डिजीज स्किन कंडीशन में किस तरह से हम अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, वो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। स्नान के बारे में उल्लेख है कि किस तरह से स्नान करना चाहिए और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और स्नान के लिए किन किन चूर्णों का, मींस कौन कौन से स्क्रब्स, वो वेट स्क्रब्स भी हो सकते हैं, ड्राई स्क्रब्स भी हो सकते हैं, उनको हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, बहुत जगह पर रेफरेंसेज मिलते हैं। इसके अलावा लेप, जिनको हम मास्क बोलते हैं, या जिनको हम उपटन भी कह, वेट उपटन कह सकते हैं, मास्क जो हैं वो भी बहुत सारे टाइप्स का बताया है, प्रलेप है, आलेप है, प्रदेह है, इस तरह से बहुत सारे मास्क का, डिफरेंट डिफरेंट मास्क का, और वो सारी जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट हर्ब्स के हैं, अकॉर्डिंग टू प्रकृति, अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू स्किन कंडीशन, हम इनको डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस में लेके स्किन की हेल्थ मेंटेन करने में बेनिफिट ले सकते हैं। तो बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, उनको हम यूटिलाइज़ करके अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म तक उसको हम यूथफुल नेस उसकी मेंटेन कर सकते हैं। तो नॉट ओनली एलोवेरा, बहुत सारी चीज़ें जैसे नीम है, तुलसी है, मंजिष्ठा है, हरिद्रा है, हरिद्रा को बोला ही योषित प्रिया गया, हल्दी जिसको हम बोलते हैं, मसूर की दाल है, फिर चने की दाल का आटा जिसको हम बेसन बोलते हैं, ये बहुत अच्छे स्क्रब्स बन सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे पुष्प हैं, जैसे रोज़ पेटल्स हैं, लोटस पेटल्स हैं, और डिजीज कंडीशन में तो सिद्धार्थक स्नान चूर्ण, जिस तरह से बताया गया है कि सभी कुष्ठों में, सभी स्किन डिजीज में सिद्धार्थक जो स्नान है उसको उत्तम माना गया है। सो वी कैन यूटिलाइज दी साइंस ऑफ आयुर्वेदा टू मेंटेन अ हेल्दी स्किन नेचुरली। थैंक यू।